हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज बना रही हूँ मैं दाल। और सब यहाँ पर अभी कर दिया टमाटर वमाटर डाल दिए हैं, मसाले वगैरह डाल दें। तो बहुत दिनों से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया था, यही रहा था कि कब मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं बन पा रहा। पता नहीं जब से मैं ऊपर शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से सिस्टम ही नहीं बन पा रहा किसी भी चीज़ का, कि भाई किस टाइम क्या चीज़ करना है, क्या ब्लॉग बनाना है या ब्लॉग नहीं बनाना है। मतलब कितनी कोशिश कर रही हूँ ना, तो उसके बावजूद भी पता नहीं क्या हो रहा, समय मैनेज ही नहीं हो रहा। और देखिए आप, कितने दिन हो गए मुझे ब्लॉग नहीं डाले थे, पता नहीं क्या करती हूँ, पूरा दिन मेरे पास होता है। उसके बावजूद भी नीचे में इतना समय निकाल भी लेती थी और उसके बाद ब्लॉग भी बनाती थी, नीचे का भी रहता था काम, स्कूल तो वहाँ भी था, ऐसा नहीं कि भाई नीचे स्कूल नहीं था, स्कूल भी रहा, लेकिन पता नहीं ऊपर आके क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा कुछ, फिर भी काम नहीं कर पा रही मैं। बस खाना पीना जो भी बनाना हुआ, थोड़ा बहुत साफ सफाई का हुआ, बस थोड़ा ये कि हाँ साफ सफाई का बढ़ गया है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है कि बिल्कुल ही मैं उसमें समय नहीं दे पा रही। पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन ही नहीं कर रहा, अंदर से ही मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं तबीयत सही ठीक से नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है। तो बस आज बना रही हूँ मसूर की दाल और तो चलो आज कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग से अच्छा। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, मतलब प्याज व्याज में डाल दूँगी मसूर की दाल में, और इसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया है, एक छोटा सा टमाटर डाला, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खट्टा भी पसंद नहीं करते हैं, खटाई जो है। और टमाटर वगैरह सलाद में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन जो है ना सब्जी में ज़्यादा टमाटर अच्छे नहीं लगते। कोई कोई सब्जी ऐसी होती है कि जिसमें टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन हर सब्जी में अगर खटास थोड़ा खट्टापन थोड़ा सा आ जाए ना टमाटर की वजह से, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो भाई दाल मेरी छल गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे लग रही हूँ मैं काम पे, और मेरा हाथ कटा हुआ है इसकी वजह से, एक छोटा सा टमाटर भी मुझसे नहीं कट रहा, तो इसके लिए भी चौकर यूज करा जा रहा है। और चलो जब एक टमाटर के, क्योंकि ज़्यादा चीज़ के लिए होता है ना, तभी मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कोई बड़ी चीज़ होती है तभी इसके लिए चॉपर यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ हो ही नहीं रहा। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया भी साफ कर लिया और फटाफट इसे, इसकी डंडी बहुत मोटी, वैसे तो ये बहुत ही ताज़ा ताज़ा सा है, लेकिन इसमें ना डंडियाँ बहुत मोटी मोटी है। अरे और वैसे तो अब ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी, रात को ना मैं चादर वादर मोड़ के सो रही, लेकिन जैसे सुबह को उठ रही हो ना तो हल्का सा लग रहा है, ज़्यादा खुला रहता है। और अंदर तो कमरे बंद बंद होते हैं, खिड़कियाँ वगैरह बंद होती हैं, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आते हैं अब जाल खुला है वहाँ से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो इसी को करती रहूँगी बाद में, तो मेरा रात का काम है। बस दाल के लिए चाहिए होगी ना, दाल की ज़्यादा पतली भी नहीं होती, थोड़ा सा सही से बनाती हूँ। थोड़ा सा धनिया पा लेते, कल क्या हुआ ना कुछ मेरे घर में गेस्ट आ गए और हम लोग दोनों माँ बेटे हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि ना हम लोग उतने ही बर्तन निकालते हैं जितने हमें ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए उन सब को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले रहते फिर क्या होता है कि चल ये नहीं साफ हुआ ना, जैसे आप तो एक बर्तन चाहिए दो बर्तन चाहिए, तो ये जूठे है
तो इन्हीं को धो के यूज करा जाए। जब ज्यादा बर्तन होते हैं ना तो फिर क्या होता है कि चल इसे निकाल इसे निकाल इसे निकाल, पूरा रसोई जो है फैली रहती है। तो आज मेरी रसोई पूरी फैली ही हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे बर्तन ही फैले हुए हैं, सब धुल चुके हैं। बस इनको जो है ना मैं खा के रखूँगी, क्योंकि मेरे पे इतना रखने का स्पेस भी नहीं है, अभी कुछ बना भी नहीं है ना, तो सारे में बर्तन ही बर्तन। अब थोड़ा सा ये पड़ा है तो अगर सारा फैला रहे ना तो भी अच्छा नहीं लगता, तो अभी इसको सारा खाली करती हूँ, क्योंकि आसानी है थोड़ा सा। और आटा गूंथती हूँ, आटा गूंथने के बाद जो है ये देखिएगा बर्तन वगैरह नहीं होती है। कल मैंने मलाई भी ली थी, सब एक्स्ट्रा रखे हुए, सबको रखने पड़ा मुझे, रखना पड़ेगा। थोड़ा सा तेल लग गया, इसमें हवा लग जाएगी, जितने अभी ठीक हो गए ठीक है, नहीं तो फिर जितने मतलब बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी ना तो तब निकाल लूंगी। तो सबको रखने वाले निकाल ही दिया, कुछ तो यहाँ लगा देती हूँ, कुछ क्योंकि बार बार जरूरत पड़ती है कोई ना कोई। लेकिन जैसे ना बड़े बर्तन है, बड़े बर्तनों में क्या होता है मलाई 15 दिन में मिलानी है या महीने भर में मिलानी है, क्योंकि ज़्यादा मलाई तो हमारी होती नहीं है। तो क्या होता है कि फिर बर्तन बड़े बर्तनों का इतना काम नहीं होता है ना, बड़े बर्तनों का इतना काम नहीं होता, तो मैंने क्या डाला था। चलिए धनिया भी कट गया, चार का काम तो हो गया। अब जो है ये करती हूँ आटे का काम, आटा गूंथती हूँ, आटा तो आठ मैंने गूंथ के इसलिए गूंथती हूँ मैं, क्योंकि मुझे आटा गूंथने में आराम पतीले में या कोई थोड़े से वैसे बर्तन में, और परात बड़ी हो जाती है तो मुझे अजीब सा लगता है उसमें आटा गूंथना पूरी परात को। और इसे लेके ना कहीं भी बैठ जाओ, चलो अभी कोई गर्मी है मेरा सर्दी है तो कमरे में चले जाओ कहीं भी चले जाओ आराम से, मैं आटा इस पतीले में ही गूंथती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादा आटा हम लोगों को चाहिए नहीं होता है और थोड़ा आटा चाहिए होता है। और अभी तो सुबह के टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि अभी सुबह का नाश्ता है, बेटा भी खाना ले जाता है, उसके बाद दिन का भी खाना है, तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही लगाती हूँ। तो बाकी शाम के टाइम तो थोड़ा सा ही बनता है, तीन चार रोटी चार पाँच रोटी बनती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आटा ही बनता है, मुझे परेशानी होती है। अब हाथ का दर्द का दर्द तो आराम है, लेकिन हाथ के दर्द में तो होती है ठीक आने लगी होगी। लहसुन की दाल, लाल लहसुन की दाल एक सीटी और लगा देती हूँ, अच्छे से हो जाती है। कई बार क्या होता है एक सीटी में भी दाल हो जाती है, कोई दाल ऐसी आती है जो एक सीटी में भी हो जाती है, और ये दाल ऐसी है थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी सी रहती है, खड़ी खड़ी सी दाल मीठे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक आटा मुझसे नहीं बोला जाता, आप मेरी तबीयत का लगा सकते हैं, बाकी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, काम कर तो रही है लेकिन किस तरीके से कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। सुबह
सुबह से लेकर शाम तक कमी नहीं हुई है, नौकरी भी बड़ी मुश्किल से हो रही है, कभी जाने को मन करता है कभी जाने का मन नहीं करता। फ्रेंड्स थोड़े बहुत बर्तन हैं वो लगा लेती हूँ यहाँ पे, और कुछ मैंने सेट कर दिए हैं। आज मेरी शुगर जो मैंने फास्टिंग नापी थी ना तो वो थी 310, तो शुगर की वजह से भी मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, और पता नहीं एकदम अचानक से ही ये बढ़नी स्टार्ट हुई है। पहले तो बिल्कुल लो हो जा रही थी और अब पता नहीं एकदम से कैसे हाई हो गई, और इसी वजह से ना मेरे शरीर इस तरीके का रहता है। बस यहाँ बर्तन वर्तन धो रही थी, बर्तन वर्तन भी मुझसे धुल नहीं रहे हैं, मतलब बिल्कुल हाथ ना चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। और एक ना मैंने मलाई बिलोई थी ना तो ज़्यादातर बर्तन ना हो रहे हैं चिपचिपे, और गर्म पानी करने का तक भी मुझे आलस हो रहा है। बस इन पर मेहनत ज़्यादा कर ले रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा। तो ये बेटे का टिफिन वगैरह रात निकाला नहीं था, सुबह निकाला है ना, तो ये भी बहुत, बच्चे भी बस ऐसे ही हैं सब कुछ, जैसे उन लोगों को पहले से आदत पड़ी हुई है। अब भी ये नहीं सोचते हैं कि चलो भाई मम्मी अब इस उम्र में हो गई है या तकलीफ़ में है तो टाइम से अपने बर्तन बर्तन निकाल दें, रोज़ सुबह निकालने पड़ते हैं या रात को मुझे याद रहता है तो रात को निकालती हूँ, तो सुबह के टाइम पर ये फिर इन्हें धोना, फिर इन्हें सुखाना, फिर इनमें लंच रखना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह। और थोड़ा सा अभी तो लेट का स्कूल हो ही रहा है क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो स्कूल ज़रा देर से जाना पड़ रहा है, तो ज़रा सा काम टाइम से हो जा रहा है, और नहीं तो बिल्कुल बहुत ही मुसीबत हो रही है। हाथ पैरों में ना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे इतना दर्द है कि जैसे पता नहीं कितने कुटे हुए हों, और जो पैरों के नीचे तले में ना जो जलन है, अगर किसी को इसका इलाज पता हो भाई, बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा जलन, जैसे कहते हैं आग सी निकलती रहती 24 घंटे, वो वाला है। अब पता नहीं शुगर की वजह से है किसकी वजह से है। बस यहाँ लग रही हूँ मैं बर्तन धोने में, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आज कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने की, एक्टिव होने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे हुआ नहीं जा रहा बिल्कुल भी। दाल मेरी बन चुकी है, आटा गूंद चुका है, बस इन बर्तनों को निकालती हूँ और फिर फटाफट से बनाती हूँ रोटियाँ, और फिर स्कूल भी जाना है तो सारे काम ही मुझे करने हैं। तो आप देख सकते हैं बर्तन धुल रहे हैं और इनमें इतना समय मुझे लग रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़े से बर्तन हैं। और एडिटिंग कर रही हूँ ना, और उसके बाद जब बोल रही हूँ तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कि सांस फूल रही है, सांस भी फूल रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिएगा यहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं और मैं लगी हुई हूँ काम पे।
तो दोस्तों दाल बन चुकी है, तो ये देखिएगा दाल बहुत ही अच्छी बनी है। और बस अब बेटे का खाना पैक करती हूँ। खाना बन चुका है, मतलब रोटियाँ भी बन चुकी हैं, बस यहाँ चाय बन रही है। और चाय भी बन रही है, खाना पैक कर रही हूँ और साथ साथ खुद भी तैयार हो रही हूँ। और फिर मुझे भी नाश्ता करना होता है। ये देखिएगा टमाटर डाला था ना मैंने, एक टमाटर में इतना कुछ हो गया। अभी इसमें से मुझे ना टमाटर छांटने हैं बेटे के, उसमें से ज़्यादा टमाटर मैं उसमें रख नहीं सकती क्योंकि टमाटर प्याज इतना बड़ा बच्चा है, फिर भी सब सब चीज़ों को धनिया खाना तो बड़ी मुश्किल से सीखा है अब, और बाकी सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। दाल और सब्जियों की अपेक्षा थोड़ा सा खा लेता है। तो चलिएगा करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। ये देखिएगा टमाटर निकाल देती हूँ जो निकल रहा है आसानी से। तो ओके बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। ओके बाय।